हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी आंसर की आ गई है और कल आंसर की आई थी। आप जल्दी से जल्दी उसको चेक करिए कितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन डालिए, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्शन जो होंगे, जो हमें हमें पता चलेंगे, वो हम अपने टेलीग्राम वाले जो चैनल है उस पर हम लोग आपको बताते रहेंगे। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए, बात यह है कि कट ऑफ कितनी जा रही है। कट ऑफ देखिए, बात जनरल की कट ऑफ जो है वो 90 to 100 क्वेश्चन के बीच में जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ जो है जाएगी 85 to 95 क्वेश्चन जाएगी के बीच में, प्लस माइनस 5 आप लगा के चलिए, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट के जनरल में 88 89 भी है तो वो आंख बंद करके दौड़ना शुरू कर दे। उसके बाद एस सी कट ऑफ जो है 75 to 85 के बीच में जाएगी। ST की कट ऑफ 72 to 80 के बीच में जाएगी और गर्ल्स आपकी 70 to 80 के आपके बीच में रहेंगी। तो देखिए, अब आपका पिछली बार जो 42,000 की वैकेंसी आई थी, 42,000 की वैकेंसी में बहुत सारे लड़के रनिंग में फेल हो गए थे, इस वजह से वो मेरिट डाउन हुई थी। दोबारा गर्ल्स की मेरिट तीसरी बार इन्होंने लगाई है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि आपकी रनिंग जो होगी वो गर्मियों में रनिंग होगी। गर्मियों में रनिंग करना थोड़ा टफ होता है, तो आप रनिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। जिसका इसके बीच में आ रहा है, आप बाकी लोगों की एडवाइस ज्यादा मत सुनिए, ठीक है। हाई मेरिट जा रही है, लो जा रही है, अगर आपके इसके बीच में मेरे नंबर हैं, आपके इसके बीच में क्वेश्चन सही हैं, तो आप दौड़िए। दौड़ में आपको, अगर आप दौड़ लगाते हैं, तो उसके बाद यह है कि आपका सिलेक्शन का जो चांसेस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, ठीक है। दूसरा यह है कि अगर आप पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 42,000 थी, इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो मेरिट अपने आप कम हो जाएगी। 42,000 की अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो उन जो लड़के 42,000 में बैठे हैं वो भी इसमें उन्होंने पेपर दिया होगा, तो जब तक आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले 42,000 की वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिससे कि लड़के उसमें भी बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो वहां भी आपका कहीं ना कहीं मेरिट वो डाउन करेगा। और आपका नॉर्मलाइजेशन भी, जैसे पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था वैसी इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में इस बार का पेपर आपका 42,000 का जो वैकेंसी पिछली वैकेंसी थी उससे टफ आया है, ये आपको देखना पड़ेगा कि हाँ टफ है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि टफ नहीं है, वो टफ है पेपर, और टफनेस की वजह से मेरिट अपने आप ही डाउन डाउन चली जाएगी। तो बस आपको ये करना है कि आप इस अगर आप इसके बीच में आते हैं, ठीक है, जनरल 90 to 100 क्वेश्चन, ओबीसी 85 to 95 क्वेश्चन, एससी 75 to 85 क्वेश्चन, एसटी 72 to 80, और गर्ल्स में आप 70 to 80 के बीच में आ रहे हैं, तो आप रनिंग करिए, ठीक। आपको आपको पता है कि आपकी रनिंग जो है वो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट्स में है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि 24 मिनट, 24.5 मिनट में आपको दौड़ पूरी करनी है। उस समय गर्मी होगी, उस समय बारिश का टाइम भी होगा, तो बहुत ज्यादा सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस अभी से मारनी है, ठीक। क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, जैसी रिजल्ट मेरिट आपकी आएगी वैसी तो वो तुरंत हफ्ते भर के अंदर आपकी रनिंग करा देंगे, जैसे इस बार हुई है। तो जिन लड़कों से इस बार रनिंग में गलती हुई है वो इस वैकेंसी में गलती ना करें। जब आपका आ गया है अभी से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए, उसमें कोई आपका सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है।